वेलकम स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे, हम लोगों ने कल टॉपिक किया था सॉसेज मेकिंग का और फूड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जो अपना सब्जेक्ट है उसके अंदर उसके अंदर हम लोग पहले भी योगर्ट का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग उसके अंदर कर चुके हैं। सॉर्कोरट का जो टॉपिक है आज हम लोग इसके अंदर करेंगे। सॉर्कोरट बेसिकली क्या है, एक टाइप हम ये कह सकते हैं कि टाइप ऑफ पिकल होती है जहाँ पर साल्ट का यूज़ किया जाता है। कैबेज से बनता है ये प्रोडक्ट और साल्ट इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये एक फर्मेंटेड कैबेज हम कह सकते हैं, ये प्रोडक्ट है जो फर्मेंटेड कैबेज होती है इसके अंदर, ठीक है। सॉर्कोरट इज़ द जर्मन वर्ड फॉर फर्मेंटेड साल्ट श्रेडेड कैबेज। अगर हम एक इस टॉपिक को छोटे से उसमें अगर समझना चाहें एक बार, क्योंकि अब हम लोग आगे इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉर्कोरट बेसिकली क्या है। इसके अंदर सिंपली क्या किया जाता है, पत्ता गोभी जिसको हम बोलते हैं कैबेज, उसको क्लीन करके साफ़ करके उसको श्रेडेड मतलब छोटे छोटे पतले पतले टुकड़ों में काट लिया जाता है और उसके बाद साल्ट के उसके अंदर डाल दिया जाता है और इसको फिर दबाव इसके ऊपर डाल के रखा जाता है और फर्मेंटेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक हम ये कह सकते हैं कि ये इसका मतलब एक ओवरव्यू है छोटा सा, जिसको हम समराइज बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इसके अंदर अगर हम लोग देशों की बात करें, जर्मन वर्ड है सॉर्कोरट का, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर कि अगर पोलैंड की बात करें तो इसके अंदर कैपुस्टा, ठीक है, इसके अंदर इसको बोलते हैं। यूक्रेन के अंदर इसको कायसेला, ठीक है। रशिया के अंदर कायसेलिया कैपुस्टा इसका नाम लिया जाता है, ठीक है। द सॉर्कोरट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, जिसके अंदर साल्ट, कैबेज और टाइम, ये तीन चीज़ें होती हैं जिसकी मेन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, जैसे इन एडिशन टू साल्ट अदर ऑन इंग्रेडिएंट्स फॉर सम टाइम एडिड फॉर एग्जांपल एप्पल, जूनिपर, बेरीज और उनके सीड्स वगैरह को यह ऐड किया जाता है थोड़ा सा फ्लेवर को एडिशनल देने के लिए। डेफिनेशंस की बात करें तो सॉर्कोरट क्या है, सॉर्कोरट इज एसिडिक कैबेज, ठीक है, और नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस से की जाती है और कैबेज इसके अंदर 2 से 3% ऑफ साल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। द फर्मेंटेशन यील्ड्स लैक्टिक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट। फर्मेंटेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके कारण क्या, एक करेक्टरिस्टिक फ्लेवर और एक टेक्स्चर इसके अंदर आता है, ठीक है। थ्रू आउट द फर्मेंटेशन इट इज़ क्रिटिकल दैट ऑक्सीजन बी एक्सक्लूडेड, इसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनारोबिक कंडीशन के अंदर इसको किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वुड बी परमिट द ग्रोथ ऑफ सम स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एसिड लविंग मोड जो होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसके अंदर ग्रोथ है, स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई भी स्टार्टर कल्चर इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता, इसलिए इसको दिस इज रेफर्ड एज ए वाइल्ड फर्मेंटेशन इसीलिए इसको बोला जाता है। द साल्ट इज मिक्सड विथ श्रेडेड कैबेज टू फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन हमारे साल्ट की प्रेजेंट क्या होनी चाहिए वो 2.5% होनी चाहिए। आप लोगों को बता दिया कि इसके अंदर सिंपली क्या, अगर हम लोग स्मॉल स्केल के ऊपर बात करें तो आपने सिंपल क्या किया जाता है, पत्ता गोभी है जिसको हम बोलते हैं पत्ता गोभी, जिसको कैबेज है, जो पत्ता गोभी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करके प्रॉपर तरीके से, और श्रेडिंग का मतलब है पतले पतले पीसीस के अंदर एक हम लोग जैसे सिंपली काटते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसको काट लिया जाता है और काटने के बाद इसको एक कंटेनर के अंदर एक लेयर की फॉर्म में, जैसे कैबेज साल्ट कैबेज इस तरह की लेयर बना दी जाती है, उसके बाद इसके ऊपर एक दबाव डाल बाहर दे दिया जाता है। वो बाहर के ऊपर उससे क्या होता है, वेट देने से क्या होता है कि जैसे जैसे जब साल्ट जो अपनी कैबेज है वहाँ से वाटर एक्सट्रैक्ट होगा साल्ट के कारण, ठीक है, ऑस्मोसिस होगा, तो उसके कारण क्या है, वो क्या होगा, कंप्रेस होंगे और वो जो वेट है, वेट उसके ऊपर डालने से क्या होगा कि वो उसको प्रेस करता रहेगा और ये जो ब्राइनिंग है या ये कह सकते हैं कि जो इसके अंदर इसका और इनकॉर्पोरेशन होना साल्ट का, वो भी इजी हो जाता है, ठीक है। द बेस्ट क्वालिटी हम लोग मानते हैं, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ साल्ट है वो प्रोड्यूस्ड की जाती है 18 to 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। और ये जो हम लोग बात करते हैं लैक्टिक
लैक्टोबेसिलस, मिजेंट, अटेरोडाइस, ठीक है। और दूसरा है टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर जैसे 22 डिग्री के ऊपर क्या होता है, लैक्टोबेसिलस स्पीसीज इसके अंदर ऐड की ग्रोथ की जाती है। तो जो लो टेम्परेचर के अंदर जो क्वालिटी होती है, ये स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटी है ऑफ कैबेज की है, वो सॉरी हमारे सॉर्कोरट की है, वो काफ़ी अच्छी रहती है इसको। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या होती है कि ये स्लो प्रोसेस है, तो इसके अंदर कई बार क्या लगता है, 6 मंथ तक इसके अंदर फर्मेंटेशन में लग जाता है। जबकि हाइयर टेम्परेचर के अंदर क्या है, 7 से 10 डेज के अंदर जो अपना टाइम है वो 7 से 10 डेज ही लगता है। लेकिन इसके से जो क्वालिटी बनती है वो एज कम्पेयर टू हमारे जो स्लो प्रोसेस था उससे ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक अपना वो बना के दिया आपको, गैप सॉरी एक ग्राफ बनाने के दिखाने की कोशिश की गई है कि एक ये रेड है, एक ये येलो है और एक ये ग्रीन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 7.5 या इससे नीचे है, तो 7.5 से 18 डिग्री सेल्सियस जो बेस्ट हमारा फ्लेवर है वो डेवलप होता है, ल्यूकोनोस्टो मिजेंट अरेडिस जिसके अंदर इस यूज़ किया जाता है। लैक्टोबेसिलस पेनेटरम है, ये क्या करता है, ये थोड़ा और हाई पे काम करता है और यहाँ पर ये मेन फर्मेंटेशन कराता है। और लैक्टोबेसिलस ब्रेविस है, ये फिनिशिंग ऑफ, यहाँ पर फाइनल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ये फिनिशिंग करता है। तो ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर यूज़ होते हैं और इनका अलग अलग टाइमिंग होती है, अलग अलग टेम्परेचर और टाइम पे ये ग्राफ बनाने की कोशिश की है कि इन ये कौन कौन से बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पे काम करते हैं और कितनी दिनों में ये फर्मेंटेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, सॉर्कोडेट क्या है, विटामिन सी काफ़ी रिच इन विटामिन सी होता है, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि जो हिस्ट्री सॉर्कोरट है, सॉर्कोरट के अंदर विटामिन सी होने के कारण क्या है कि ये एक जो स्कर्वी जो एक जो प्रॉब्लम थी उससे प्रॉब्लम से बचने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्योंकि वो विटामिन सी की लेस अवेलेबिलिटी होने के कारण बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। स्कर्वी क्या है, स्कर्वी इन्फेक्टेड गम्स विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ टीथ एंड इवेंचुअली डेथ। मतलब स्कर्वी एक क्या है, बीमारी होती है जो इन्फेक्टेड गम्स होते हैं जिसके कारण दांत है हमारे चले जाते हैं और उसके कारण दांत डेथ भी हो सकती है। 1500 से 1800 के बीच में क्या हुआ था कि उसके अंदर स्कर्वी ने 2 मिलियन सेलर्स हैं उनको किल कर दिया था, मार दिया था, ठीक है। उसके बाद जोनाथन लैम्ब है जिन्होंने 1499 के अंदर वास्को डी गामा ने अपने क्रू के अंदर 116 अपने जो क्रू मेंबर्स थे, ठीक है, वो लॉस इनका मारे गए थे। ऐसे ही 1500 में मैगलेन ने 208 अपने सेलर्स हैं वो खो दिए थे, जिसमें 230 में से, ठीक है, और मेनली सारे वो थे क्या थे, स्कर्वी के कारण थे। तो इसीलिए क्या है, इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड दैट व्हेन कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक थे जो उन्होंने क्या किया था, बैरल्स रखे हुए थे अपने सॉर्कोरोट के, और उनका उनके उसके अंदर क्या था भी, कोई भी सेलर है वो इस बीमारी के कारण वो नहीं मरा था। तो उससे ये पता चला कि विटामिन सी जो सॉर्कोरोट के अंदर विटामिन सी होता है और उनके जो सेलर थे वो विटामिन सी उसको कंज्यूम करते रहे और इसके कारण उनको बीमारी नहीं हुई। और उसके बाद क्या है, 1747 के अंदर जेम्स लिंड है उन्होंने स्कर्वी ये जो प्रॉब्लम थी, जो स्कर्वी की प्रॉब्लम थी, इसका इन्होंने फॉर्मली तौर से बता दिया था कि ये प्रॉब्लम है, वो विटामिन सी को अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी, ठीक है। और उसके अलावा और भी कुछ हिस्ट्रीज हैं, तो इसके अंदर अपने को ज़्यादा हिस्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इसके अंदर नोट्स के अंदर पढ़ चुके हैं, पढ़ सकते हैं। फर्मेंटेशन जो सॉर्कोरट है वो होममेड भी बनती है, मतलब घरों पे भी बनाई जाती है, और इसका प्रोडक्शन मास लेवल पे भी होता है। लैक्टोबेसिलस फैमिली से जो इसके जो है सो हमारे बैक्टीरिया है वो यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर फर्मेंटेशन के अंदर। और एक ये एक पुरानी एक फ़ोटो है कंपनी की, ठीक है, प्योर फूड कंपनी जिसने जहाँ पर फर्मेंटेशन
सॉरी सॉर्कोरेट बनाने की, उसके अंदर कैनिंग हो रही है बनाने के बाद। और ये एक डायग्राम है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या है कि जो फर्स्ट हमारा जो है जिसके अंदर लिखा हुआ है पैक कैबेज मिंस्ड साल्ट, इसके अंदर देखो कि आप ये वेट हम लोगों ने इसके अंदर रख दिया है, यहाँ पर शेडेड कैबेज और इसके अंदर क्या है अपना साल्ट है, ठीक है। और ये प्रेस करता जा रहा है और धीरे धीरे जब शेडेड कैबेज होती है प्रेस होती है, ये डायग्राम दिखा रहा है कि ये एक लेयर साल्ट कैबेज, साल्ट कैबेज वाइट कलर यानी साल्ट, ये ग्रीन कलर यानी कैबेज। और ये क्या करता है जैसे जैसे वेट हम देते हैं ये दबा के इसको प्रेस करता रहता है, ठीक है। तो ये डायग्राम समझा के दिखाया हुआ है कि किस फॉर्म में इनको रखा जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉर्कोरेट, सॉर्कोरेट कैसे बनाई जाती है, फ्रेश हेड्स ऑफ कैबेज, लार्ज नाइफ, कैबेज श्रेडर्स, उनको एक तरह से हम कद्दूकस की तरह कह सकते हैं, कद्दूकस में थोड़ा अलग टाइप के ब्लेड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इसमें भी कुछ कुछ जो श्रेडिंग करना वो भी इसी तरह के, जैसे आप गाजर छीलते हैं, जब कोई गाजर पा के आप बोलते हैं गाजर हल्का हलवा बनाते हैं, तो उसी तरह उसमें भी क्या श्रेडिंग की तरह होता है, तो यही कुछ इसी तरह की श्रेडिंग कैबेज के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पर जो तरी वो क्योंकि ऑलरेडी क्या है ये एक एक दूसरे के ऊपर एक तरह से कैबेज क्या एक तरह से क्या एक तरह पत्तों की एक दूसरे के ऊपर लेयर है, तो हम काटते हैं सिंपली अगर चाकू से भी काटेंगे तो वो भी श्रेडिंग फॉर्म में, श्रेडिड फॉर्म में हमारे को मिलता है बेसिकली, ठीक है। कंटेनर्स, कंटेनर होता है, स्केल है, वेइंग पेपर होता है, NaCl, और उसके वाला वैक्सड क्रॉक, ठीक है, और उसके बाद चीज़ क्लॉथ, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, ट्रिम द कैबेज, पहले हम लोगों ने क्या किया इसको क्लीन किया, जो भी उसके फालतू के अंदर जो जिसको अपन डंठल बोल देते हैं मोटे जो सेंटर में होता है उनको रिमूव कर देते हैं, आउटर लीव्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं, कोई अगर किसी भी रेत वगैरह लगा हुआ है, टिश्यूज़ है, ख़राब टिश्यू है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। वॉश द ट्रिम सेट थोरोली विथ टैप पेपर, उसके बाद है कट द हेड्स इन हाफ, उसके बाद हेड्स को हाफ में करके और रिमूव जो अंदर का सेंट्रल कोर है फिर उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कैबेज को श्रेडर से पतले पतले छोटे छोटे पतले बारीक बारीक पीसों में एज ए फिंगर टाइप में उनको काट लिया जाता है। उसके बाद करते हैं वे द श्रेडेड कैबेज, हम लोग फिर क्या करते हैं श्रेडेड इसका कैबेज को वेट लिया जाता है और साल्ट को उसके अंदर ऐड किया जाता है। हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है जब हमारा प्रिपेयर हो जाए कैबेज तो सॉरी सरकरेट, तो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 2.5% के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या है क्यों दिया भाई आपको, एडिंग लेस देन 2% साल्ट माइट प्रोड्यूस सॉफ्ट और इवन इवन स्लाइमी सरकरेट, एडिंग एडिंग लेस देन 1% विल प्रोड्यूस सरकरेट दैट वुड बी सॉफ्ट एंड अनएक्सेप्टेबल कमर्शली, एडिंग मोर देन 3.5 साल्ट माइट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। मतलब क्या है अगर हम कम डालेंगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ख़राब हो जाएगा और हो सकता है कि ये कॉन्टामिनेटेड हो जाए। अगर हम इससे ज़्यादा डालेंगे 2.5 से, अगर लगता है जैसे 3.5 अगर हम डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो बेसिकली किसके लिए होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर फर्मेंटेशन के लिए। अगर इन्हीं की ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर नहीं होगा। उसके बाद क्या क्या दिया जाता है, पैक द श्रेडेड कैबेज इनटू क्रॉक्स फिलिंग अप्रोक्सीमेटली 70, जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर 75 से 80% के आसपास हम क्या करते हैं टोटल वॉल्यूम का हम लोग उसके अंदर श्रेडेड कैबेज डाल देते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना जाता है कि हम लोग जब भी उसको डाल रहे हैं, उनकी श्रेडेड कैबेज को डाल रहे हैं, तो वो हमें उसके अंदर कोई उसका टूटना फूटना या उसका क्रश होना कुचलना ये नहीं होना चाहिए टिश्यूज़ का। उसके बाद क्या किया जाता है, एट द लिड एंड वे एंड फाइनली कवर्स द चीज़ क्लॉथ, उसके बाद क्या किया जाता है उसको बाहर देके उसके बाद चीज़ क्लॉथ से उसको कवर किया जाता है और 21 से 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 to 6 वीक इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये एक बनाने का तरीका होता है, ठीक है। होममेड सॉर्करोट जो बनाने का इन्होंने एक तरीका बनाया हुआ, हाउ टू मेक सॉर्करोट, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, कैबेज जिसको हम लोग घर घर में पत्ता गोभी बोलते हैं, ठीक है। साल्ट है, फर्मेंटिंग वेसल है, वाटर है, और उसके बाद इसके अंदर तो फर्स्टली क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर जो अपना क्या कहते हैं
जैसे घरों में अपने इंडिया के अंदर अचार डाला जाता है, तो ये एक तरह से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो इधर यूरो कुछ देश के अंदर, तो ये इसको एज ए अचार की तरह या पिकल की तरह जिसको हम बोलते हैं यूज़ किया जाता है। देखो पहले इसके अंदर क्या करेंगे, हम दो बराबर पीस इसके अंदर काट लिया, ऊपर से जो एक्स्ट्रा इसके जो निकाल लिए वेस्ट था जो पत्ते लीव्स उनको निकाल दिया, उसके बाद फिर इसके दो पीस कर लेंगे। उसका जो कॉर्नर का देखो ये जो पार्ट है इसको क्या किया कि इन्होंने ये रिमूव कर दिया, ये देखो यहाँ से इन्होंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको पतले पतले श्रेडिंग बोलते हैं, ये काट लिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो श्रेडिंग करने के बाद इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इसका जो विड्थ है, जो मोटाई है, कोशिश करो कि लगभग बराबर बराबर हो उसके अंदर। उसके अंदर हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, साल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। और साल्ट की जो परसेंटेज आप लोगों को बता दी है कि फाइनल कंसंट्रेशन हमारे जो साल्ट है वो उसकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और साल्ट की साल्ट को स्प्रिंकल इसके करने के बाद इसके अंदर इसको थोड़ा प्रॉपर एक तरह से मिक्स कर देते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसको जब हम लोग मिक्स कर लेते हैं, इसको जब हम लोगों ने प्रॉपर कर लिया है, मिक्स कर लिया है, तो मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर इसको फिल कर दिया और थोड़ा सा दबा के किया जाता है ताकि मैक्सिमम जो गैसेस वगैरह है या ऑक्सीजन वगैरह उसकी प्रेजेंस कम से कम रहे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने जो एक्स्ट्रा एडिशनल हमारा ब्राइन सोल्यूशन बनाया था वो इसके अंदर डाल देते हैं, और ये क्या करेगा एक तरह से इनके अंदर जो स्पेस है उसको ख़त्म कर देगा, रिलीज कर देगा। और यहाँ पर इन्होंने वेट की जगह क्या किया है, जो लीव्स थे बड़े लीव्स थे हार्ड लीव्स थे उसको इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है। अदरवाइज इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो वेट है वेट इसके अंदर डाला जाता है। हाँ ये अभी तक हम लोगों ने जो होममेड देखा था, तो ये हम लोग अभी इंडस्ट्रियल लेवल पे देखते हैं, हाउस और करोट इज मेड, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे ये बना रहे हैं। इसके अंदर ये देखो इन्होंने सबसे पहले अंदर का जो इसका वो मोटा पार्सन था रिमूव कर दिया, इसको श्रेडर्स बोलते हैं। और ये श्रेडर से क्या होता है, जो श्रेडिड हमारे पास कैबेज आ जाती है, और श्रेडिड कैबेज आने के बाद इसके अंदर क्या किया जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन जो इसके अंदर हम लोगों ने डाला है वो डाल देते हैं, और उसके बाद इसके अंदर जो लीव्स श्रेडिड कैबेज थी वो इसके अंदर डाल दी जाती है। और उसके अलावा मैनुअली इसकी जो जो भी क्लीनिंग है या एडिशनल जो भी है वो इसको मैनुअली होती है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर इसको भरा जा रहा है, और भरने के बाद यहाँ पर ये आगे नेक्स्ट स्टेप जो है इनका ब्राइन सॉल्यूशन में फिलअप होने के बाद ये इनके ऊपर जार लगने जा रहा है, जार के ऊपर कैप्स लगाने के लिए ये जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अपना होता है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे ये इसको बनाते हैं, ठीक है। इसका पोर्शन रिमूव किया था, कैबेज स्ट्रेडेड, फर्स्ट श्रेडिंग किया इन्होंने श्रेडर्स से, श्रेडिंग करने के बाद मिक्सिंग किया साल्ट का, ठीक है, एड मिक्स्ड विद साल्ट। और उसके बाद ये मैनुअली है इसको प्रेस कर रहे हैं, इस फर्मेंट 3 से 4 वीक के बाद इसकी फर्मेंटेशन जब हो गई है, इसके ऊपर देखो वेट इन्होंने डाल रखा है ताकि इसको प्रेशराइज होता रहे। उसके बाद जो हमारे पास आ गया मटेरियल आ गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जार्स के अंदर इसको भरा जाएगा मैनुअली, और जार में डालने से पहले इसके अंदर क्या किया जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक वे है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट प्रोडक्ट इसके अंदर बनाते हैं, ठीक है।